क्या हो गया? अरे आंटी यार, दूसरी आंटी यार, क्या कर रहे हो? अरे भाई संभल के, भाई संभल के, अरे भाई संभल के, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, कहाँ पीछे करो, क्या हो गया, पुलिस स्टेशन पे क्या हो गया भाई, गाल बात हुआ, मैं इसको देखा भी, एक मिनट, क्या हो गया, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहा है, ये जबरदस्ती मेरा नुकसान, हाँ ये जबरदस्ती मेरा नुकसान कर रहे हैं, ड्राइवर है, ड्राइवर है, ड्राइवर है क्या, ड्राइवर है क्या तू, अबे भाई डायरेक्ट उड़ा के भाग रहा है बीच में से, चलते रास्ते में उड़ा के लेके जा रहा है, उड़ा किसी को, अरे हाँ गाड़ी उड़ा के भाग रहा है, ड्राइवर है क्या, ड्राइवर है, ये पिया है, पिया है, पिया है, चल रहे चौकी ले बेटा गाड़ी में, भाई आप चौकी में बैठा, भाई भाई नहीं बैठा, भाई दादा, ओ दादा, दादा दादा चौकी लेके जाओ ना, चौकी लेके जाओ, मत मारो, रोक चौकी, दादा समझो बात को, बात को समझो, अरे खोल दे, खोल खोल, अरे गाड़ी बोल रहा है, अरे गाड़ी तोड़ता डायरेक्ट, अरे मार रहा है, भाई भाई समझो ना, भाई दो बार उड़ाएगा, मां बचाओ, अरे बोलना चौकी लेके जाने की, निकलेगा वो, निकलेगा बाहर, रुक जा, अरे खुद का नुकसान, भाई भाई सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई 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 क्या हो गया भाई, भाई भाई सुनो ना भाई, क्या बोल रहा हूँ भाई, चौकी लेके कर रहे हो, आंटी बुढ़िया औरत है, समझो मेरी बात, गई गई आंटी, गई आंटी, गई भाई भाई एक मिनट, गाड़ी भाई 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 मत कर, भाई भाई रुक रुक भाई, रुक जा भाई, रुक जा, चौकी लेके जा रहा हूं, चौकी लेके जा रहा हूं, भाई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ए भाई रुक जा, मारा उड़ा रहा है, रुक जा, भाई अरे भाई रुको ना, चौकी लेके जा रहा हूं, भाई तू बोल रहा है ना, अच्छी से मेरे लिए कुछ, अरे लेकिन मार क्यों रहे हो, अरे कौन मार रहा है, भाई चाबी दे, चाबी दे, गाड़ी चला, भाई भाई सुन ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, भाई 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 क्या हो गया भाई, भाई भाई सुनो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई चौकी लेके चले जाओ, सुनो मेरी बात, आंटी बुढ़ी औरत बैठी, समझो मेरी बात को, कुछ तो मैटर हो गया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर मैटर समझा नहीं सकता भाई, अरे भाई बहुत मार रहे यार, किसको ठोका, किसको ठोका, एक मिनट, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट रुकना भाई, क्या हो गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अरे भाई बोलो ना, रुकने बोलो ना यार, मार रहे, एक मिनट, एक मिनट रुको ना भाई, अरे बस में की बात थी, चौकी लेके जाओ ना भाई, अरे भाई मैं क्या बोल रहा, चौकी लेके चले जाओ, ए गाड़ी मेरी आगे, गाड़ी है, हट हट मेरी गाड़ी आगे, भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे भाई मारो मत, रुको ना भाई, अरे भाई रुको ना, एक मिनट चौकी लेके जाना भाई, बोल रहा है ना, अच्छा मेरे लिए पीछे, अरे लेकिन मार क्यों रहे हो, कौन मार रहा है, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, चाबी दे, अरे देखो चाबी किधर गया, चाबी नहीं देगा भाई, अरे उड़ा रहा है भैंस को, किसको हटा, क्या हुआ एक्चुअली, सीन क्या हुआ मेरे को बताओ, मैं बैठता हूँ,
चौकी लेके जाने का बात कर रहे हैं भोपड़ी का, मर जाएगा महाराज तो ठाण मार लेंगे। शिनाल का गाड़ी ऐसा चालू कर रहा है जिसको उड़ा देगा, बाहर निकल गाड़ी चालू कर रहा है। अरे यार गाड़ी का चाबी दे भाई, भाई सुन सुन मेरी बात, मेरी बात सुन भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको भाई मारो मत इसको अभी, चौकी लेके जाओ, सुन 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 भाई एक काम करो चौकी लेके जाओ, अरे यार क्या करूँ अकेला समझ में नहीं आ रहा है, बचाओ क्या कैसे बचाओ। अरे भाई चाबी दे देना भाई, भाई भाई अरे भाई सुनना सुनना भाई, चाबी ले ले चाबी ले ले चाबी ले ले और चौकी लेके चले जा भाई, रुको अरे भाई सुनना भाई, अरे भाई अरे भाई इतना, अरे यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट ना भाई, भाई रुकना सुनना सुनना, अच्छा ठीक है एक गाड़ी में बैठिया ना भाई, भाई गाड़ी में बैठिया ना चलो, अरे भाई मैं क्या बोला गाड़ी में बैठिया, एक मिनट भाई, अरे यार गाड़ी देख भाई सुनना, उसको चौकी लेके चले जा बात खत्म हो जाएगा, अरे नहीं उड़ेगा रुक रुक, ए भाई काम कर मैं गाड़ी चलाता चाहिए तो सुन सुन, चौकी लेके ना मैं चलाता गाड़ी तेरा, ठीक है मैं चलाता तेरा गाड़ी, सुनना भाई भाई सुन मैं, ठीक है इसको आराम से जाने दे, रुक 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 एक मिनट भाई, भाई सुन मेरी बात सुनेगा, एक मिनट आराम से बात करते रुको, आराम से बात सुन मेरी बात, एक मिनट इधर हाथ दिखा, हाथ दिखा, तू डरारू भी है, अच्छा सुन मेरी बात सुनेगा एक मिनट, अरे आराम से बात करोगे तो होएगा यार, अरे आराम से बात करोगे तो होएगा, रुकना अरे उड़ाएगा भाई, हाँ मैं समझ गया, अरे तो आराम से बात, रुक रुक रुक, अरे भाई सुनना भाई, अरे भाई रुकना, अरे रुकना पुलिस को ही बुला लो यार यहाँ पर ही, कॉल द कॉप, बेचारे यार क्या बोलो यार, अरे रुक इसको बहुत मारा यार, अरे वो पिया हुआ लोग बोल रहे कि गाड़ी का चाबी ले लो उनसे, ये रहा अरे भाई रुकना रुकना भाई, एक जन भाई सो घसका दे के, एक जन बैठे ना गाड़ी में, एक जन घसका दे के बैठ, रुक मैं बुलाता पुलिस, वो भाई ना उड़ा देगा इधर उसको, वो भाई अरे सोनू वो नहीं सुनेगा, रुकना पुलिस को ही बुलाता रुकना यार, तुम बात बराबर कर रहे हो लेकिन वो सुन रहा भी तो नहीं ना, उड़ा देगा तो एक मिनट रुको ना दादा रुकना, अरे यार रुको यार पुलिस, पुलिस कब आएगा यार, अरे सुनना भाई रुक पुलिस को बुलाता रुक रुक रुक, अरे भाई रुक जा, आ गया आ गया पुलिस आ गया, एम्बुलेंस है भाई एम्बुलेंस आई है भाई, भाई राइट में ले राइट में ले राइट में ले, चल राइट में ले राइट में ले, जा भाई जा 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 भाई, लेफ्ट पे दबा लेफ्ट पे दबा, हेलो जरा मैम जरा भेजा ना इधर मैटर साला है, पब्लिक ले मारता है, भेजो ना पुलिस अपना माहिम 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 जो वेस्ट है स्टेशन, हाँ हाँ वो गाड़ी ड्राइवर जरा क्या ठोक भोक के जा रहा है ना, तो प्लीज जरा आइए ना यहाँ पर, प्लीज किसी को भेजिए ना, क्या बोल रहे हो माहिम स्टेशन है, क्या बोल रहे हो आप,
एड्रेस मैं तो ऐसा लोकल हूँ अपना माहिम स्टेशन वेस्ट के पास में, जो बांद्रा जाने के लिए रास्ता है ना, एक मिनट मैं नियर बताता हूँ आपको। मोरी रोड सिग्नल वो ट्रैफिक भी चला है माहिम वेस्ट मोरीला सिग्नल। जरा फास्ट पार्टी भेजो ना आप, क्या बोल, मेरा नाम विजय कुमार है। एक मिनट भाई एड्रेस बता ना। अरे नौजवान सोसाइटी बोलते हैं, नौजवान सोसाइटी का गेट माहिम रेलवे फाटक बोल दो ना, रेलवे फाटक माहिम रेलवे फाटक के पास में सर, माहिम रेलवे फाटक नौ जीवन कॉलोनी। भेजा ना पटकन भेजा नौ जीवन, देख मैं एक मिनट बोल दो, नौ जीवन कॉलोनी नौ जीवन। ए रुक जा भाई, बुलाया आ रहा है, रुक भाई बुलाया, रुक आ रहा हूँ, रुक जा आया, रुक भाई छोड़ना, इतना मारा छोड़ देना भाई, बहुत मारा छोड़ दे, ध्यान देना बिहार, रुक पुलिस आ रहा, डाल दे इसको। अच्छा एक मिनट रुक भाई, मैं पुलिस को बुलाया, टेंशन मत ले, आ रहा, रुक जा मार मत। ठीक है बैठ भाई, आराम कर, तू आराम कर, दो मिनट रुक जा। अरे यार एक मिनट कांच खोला कर, आराम से बैठे, चल कांच खोल। अरे यार बहुत मारा बेचारे को, इतना मारा क्या बताओ यार, मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार इतने सारे लोग के बीच में। अभी पुलिस बुलाने के बोला, मौका कुछ था ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। आ गया पुलिस, एम्बुलेंस। अरे यार मैंने प्यार मोहब्बत से आप लोगों से इंसानियत तुम लोग नहीं दिखा सकते, भाई अरे प्यार मोहब्बत से उड़ा दे मारो, चाबी दो मेरे को, अब चाबी दो, मैं गाड़ी साइड लगाऊंगा। जाओ भाई आराम से जाओ, चलो। अरे बहुत मारा उसको, क्या बोलूं बता, क्या कर सकता अकेला बता। ये लोग सब मुझे कुछ मार रहे हैं, वो चाबी छीन लिया मेरे से, वो बंदा मेरे से चाबी छीन लिया सर, सर ये लोग मेरे को बिना कोई मेरी गलती नहीं है, कोई मेरी गलती नहीं है और ये बंदे की गलती है, इसने जबरदस्ती गाड़ी घुसाया, ये जबरदस्ती आया रोड साइड, ये रोड साइड आया जबरदस्ती। अरे भाई सुनना, पुलिस आ गया ना, आराम से बैठ, आराम से रिलैक्स कर। अरे सीधा नहीं चल रहा, ये सीधा नहीं चल रहा, ये रॉन्ग साइड आया, इसको जगह नहीं बची। सुनना भाई अभी चल आराम से, अभी आराम से चल पुलिस स्टेशन, जबरदस्ती गुस्सा रॉन्ग साइड। मैंने फोन किया था आपको, हाँ मैंने फोन किया था, ये वहाँ से गाड़ी से आ रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मेरे पास कैमरे में सब रिकॉर्डिंग है मेरे इसमें, तो बोल रहे थे कि भाई को गिराया, कहाँ गया, इसको गिराया बोल रहे थे, तो उसके बाद इसके गाड़ी को पूरा तोड़ दिया मारा, ये बोलते कि ड्रिंक किया हुआ है इसने, बोल रहे कि ड्रिंक किया हुआ है, तो उसको बोल रहे कि गाड़ी साइड में रुका दे, तो फिर ये साइड में लगा के, आंटी बुड्ढी पैसेंजर भी थी, इससे माफी मांगा कि चल यार इससे से कोई गलती हुई, कुछ हुआ गाना तो छह गाड़ी रुका नहीं तो क्या हुआ, मैं रुका, मैं सब किया, मैं क्या बोलता हूं, ए अभी पुलिस आ गया ना भाई, हां चल गाड़ी चलेगी ना, हाँ चलेगी, चल बैठ गाड़ी चला आराम से, चाबी दो भाई, चाबी किसने लिया, चाबी दे, अभी दिया ना, तेरा कुछ सामान है क्या, और कुछ सामान लिया तेरा कुछ सामान, 10,000 रुपया वहाँ डिक्की में रखा था, ठीक है चल गाड़ी निकाल, मेरा 10,000 रुपया यहाँ पे था, मेरा 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया मेरा भी मांगने पड़ा था, मेरी गाड़ी बेटा, गाड़ी फेंक, गाड़ी साइड में लगा रहे, गाइस यकीन नहीं मानोगे, मैं पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरा हादसे का पूरा मैं आपको बताता क्या हुआ एक्चुअल में। मैं जब बाइक से जा रहा था
तो वहां पर जो सिचुएशन था, उस लड़के की गाड़ी वाड़ी को बहुत मारत है, जो कार था फोर व्हीलर वाला, और एक ड्राइवर था टूरिस्ट गाड़ी, और पैसेंजर को ले जा रहा था, और एकदम दादी की उम्र की पैसेंजर पीछे बैठी थी, और उसको ना गाड़ी को बहुत मार रहे थे, और लड़के की एक्टिवा गिरी थी, और पुलिस स्टेशन में लड़के ने बताया कार वाले ने कि ये लड़का नो एंट्री से आया था, गिर गया, तो मैंने उससे माफी वगैरह भी मांगा, तो उसके बाद वो निकल गया, तो लोग उसकी गाड़ी वाड़ी को बहुत मारे, तो ऑब्वियसली यार अकेला गाड़ी में बैठा है, चार पांच लोग उसको मिलके मारोगे तो डर के मारे जाएगा ही ना, सिग्नल पे पकड़ लिया, देखा आपने वीडियो में कैसे गाड़ी पे लात वगैरह मार रहे, गाड़ी रुकने के बाद उसको मार रहे हो, एक एजेड औरत को आप बाहर निकाल रहे हो दादी की उम्र के, फिर उसको मार रहे हो, पुलिस को नहीं बुला रहे हो, पुलिस स्टेशन चल ड्रिंक किया, ये क्या तरीके से मार रहे थे बेचारे को। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैं बहुत शॉकिंग हो गया, मैं शॉक हो गया, जितने लोग वहां पर मार रहे थे सबके सब गायब हो गए, सबके सब गायब हुए, मतलब ये बहुत गलत चीज है, जब मार रहे थे तो पुलिस स्टेशन में आने की भी हिम्मत रखो ना, बस मैं सुनूंगा तो उसके मुंह से बात नहीं आ रहा था, तो पुलिस को बुलाना चाहिए ना, उसको मार रहे हो गाड़ी में घुस घुस के मार रहे हो, इतने लोग, मैं किस किस का पक्ष रखूं बताओ ना, वहां पर मैं सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता, बट मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस वक्त पे आ गई वहां पर, मैंने जैसे ही कॉल किया गाइस यकीन नहीं मानोगे 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गया, पुलिस आने के बाद सारे के सारे गायब हो गए, और वो जो ब्लैक लड़का था जो गिरा था खाली वो पुलिस स्टेशन गया कि वो सच है, और बाकी लोगों ने इतने लोगों ने मारा वो कोई भी नहीं है, मतलब बात से भी बात हो सकती थी ना, आप पुलिस को फोन करो उसकी गाड़ी रुका के, आप उसकी गाड़ी को तोड़ रहे हो, डैमेज कर रहे हो, उसने देखा मारो मत, अगर गलत है रुकाओ, डैमेज मत करो, पुलिस को बुलाओ, सब गायब हो गए, ये मैं शौक हूँ, अभी तक मैं शौक हूँ, आप लोगों की क्या राय कमेंट में बताना, ये सिचुएशन ऐसा इस तरीके से था, मैंने हैंडल करने की बहुत कोशिश की, बट यहाँ पर 8-9-10 लोग मिलके मार रहे, पुलिस आने के सब गायब हो गए, ये मुझे थोड़ा गलत लगा मेरे हिसाब से, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।